सब गाइस, दिस इज वेरी ऑन बैनल पर आप सोच रहे होंगे मैंने ये टाइट ड्राई फिट क्यों पहन रखा है। मैंने ये टाइट ड्राई फिट इसलिए पहन रखा है ताकि मैं आप लोगों को एक बहुत ही मस्त चीज़ दिखाऊं। ये हमने ऑर्डर किया है बट ये हमें वापस करना पड़ रहा है बिकॉज साइज़ का कुछ इशू आ रहा है, बट नेवरतheless सिंस ऑर्डर हो गया था आ गया था तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर एक इंसान 220 BHP की बाइक चला रहा है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके सेफ्टी गेयर्स, जो मैं अपने हर वीडियो में प्रमोट करता आया हूँ कि सेफ्टी गेयर पहनो। आप लोगों ने वो ब्लॉग भी देखा होगा 10 आर वाला, जिसमें भैया बहुत गंदा क्रैश हुए हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस इज फाइन नाउ। अगर उन्होंने रेसिंग गेयर्स नहीं पहने होते तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जैसा बाइक का हाल हुआ था भैया का ऑलमोस्ट सेम हाल होता और इवन वर्स। तो गाइज उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो चीज़ मंगाई है वो है Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. So guys, this is the tracksuit which I have ordered. It has shoulder protection, it has elbow guards, it has padded chest protection, it has knee support, it has elongated thigh support, it has knee sliders. Guys, ये पूरा suit जो है single piece suit आता है and ये बहुत ही ज़्यादा expensive है, but compared to what we are riding, I think this is the best. एंड बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रैक पे जाना चाहते हो, उसके लिए इसके बिना आपको ट्रैक पे जाने भी नहीं देंगे। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ऐसे बताने से अच्छा मैं बाकी चीज़ें ये सूट को पहन के बताता हूँ। गाइज ये अंदर से यहाँ पे इसका बैक प्रोटेक्ट का इंसर्ट आता है, ये इसके चेस्ट पैड के इंसर्ट है दोनों साइड पे और बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे इसका बैक प्रोटेक्टर आ जाएगा तो ऐसा है। सबसे पहले आप इसको चेयर पर बिठा दो, थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करो और दोनों इंश्योर करो कि दोनों नीचे के आपके सपोर्ट खुले हुए हैं, अदरवाइज लोग कुछ ऐसा सा लुक है इसका। और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, ज्यादा नहीं, तो आपकी राइडिंग पोस्चर कुछ ऐसा आएगा बाइक पे जिसमें आपके ये नी एल्बो स्लाइडर्स हैं, शोल्डर गार्ड्स, बैक प्रोटेक्टर, नी स्लाइडर्स एंड कुछ आप ऐसे दिखोगे। और इसमें इमेजिन कर लो हेलमेट पहना और रेसिंग शूज और रेसिंग ग्लव्स और आप ट्रैक पे और आप ब्रो दिस फील इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो गाइस कुछ ऐसा सा है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्लाइडर्स हैं, ये इसके शोल्डर गार्ड्स हैं, इसमें यहाँ पे चेस्ट कंपार्टमेंट आता है, जिस चेस्ट कंपार्टमेंट आप लेवल 2 सर्टिफाइड आर्मर्स लगा सकते हो, एल्पाइन स्टार का या डेनिसी का किसी का भी। एंड सिमिलरली इसमें बैक प्रोटेक्टर के लिए भी न्यूक्लियस का या फिर C2 लेवल सर्टिफाइड के आप कोई भी प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो, विच फर्दर एनहांस द सेफ्टी ऑफ अ राइडर। इसके अलावा ये बोवाइन लेदर कहते हैं इसको, 1.3 सेंटीमीटर का बोवाइन लेदर है ये एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एंड बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग वेरी मच प्रोटेक्टेड इन दिस सूट। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरी चेस्ट और थोड़ी फिटिंग की वजह से थोड़ा सा टाइट हो रहा है, जिसकी वजह से इसको अब हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह एक दूसरा सूट मंगाएंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने का, बिकॉज रेड हमने पहले कुछ सोच के मंगाया था बट जो मैंने शूज़ लिए हैं वो रॉसी के शूज़ हैं एंड आप लोगों को पता है रॉसी का फेवरेट कलर क्या है, जिस जिसको पता है नीचे कमेंट करके बताओ।
तो सिंस वो रॉसी के शूज़ है तो आई एम प्लानिंग टू चेंज माई बाइक कलर ऑल्सो फॉर द ट्रैक, बिकॉज रेड हम सिर्फ स्ट्रीट के लिए रखेंगे। और इस पर मैंने एक और मॉड प्लान किया है, अगर वो मॉड हो जाता है तो इंडिया में वैसी सिर्फ दूसरी बाइक होगी जो आपके बैन अल्फा के पास होगी। तो गाइज अगर आपके दिमाग में और भी कुछ मॉडिफिकेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ये एक रेसिंग सूट है जो मैं हर इंसान को एडवाइस नहीं करूँगा लेने के लिए, बट एटलीस्ट लेवल टू प्रोटेक्शन की आप जैकेट ले सकते हैं अलग से, राइडिंग पैंट्स ले सकते हैं ट्रैवल के लिए, विच इज़ लिटिल कम्फर्टेबल सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, ऐसे ही अदरवाइज आप देख रहे हैं आए दिन सिद्धरा रोड पर सिर्फ एक्सीडेंट्स ही हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसके कॉज राइडर्स हैं या उसका कॉज कुछ और है, बट इतना ज़्यादा हालत ऐसी हो रखी है जम्मू में कि जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं जो राइड करना चाहते हैं, जो अच्छी राइड को प्रमोट करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक पुलिस जो नॉर्मल राइडर्स हैं उनको भी इवेंचुअली ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग लिटिल हैसल एट देयर एंड। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जैकेट पहनो, अच्छी जैकेट पहनो, बिना जैकेट के इतनी फास्ट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास जैकेट है सब कुछ है उसके बाद मेरी तरफ से तुम 300 पे चलाओ, तुम्हारा 300 पे भी एक्सीडेंट हो एटलीस्ट तुम्हारे घर वाले ये रहेंगे कि बंदे ने जैकेट पहनी थी, फिर कुछ हो गया, अदरवाइज तुम्हें कुछ होगा या किसी और को कुछ होगा तो दुनिया वाले सिर्फ राइडर को गाली देगा, वो बोलेगा खुद भी बिना राइडिंग गियर के चला रहा था। तो अगर जब खुद ही बिना राइडिंग गियर के चला रहा था फिर तो होना ही था, तो उस चीज़ को अवॉइड करो, अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, आराम से चलाओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम सीधे 1.5 लाख का रेसिंग सूट खरीद लो और फिर सड़क पर चलाना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट 5-6 हज़ार इन्वेस्ट करके तुम राइनॉक्स की पिट स्टॉप कैफे पे या मोटोसाइकिल की जो नया अपना स्टोर खुला है जम्मू में सोहम का, उस पर जाके तुम दोनों कोई भी जाके अपना रेसिंग जैकेट ले सकते हो, उसकी वजह से तुम्हें सेफ्टी मिलेगी और तुम्हारे घर वालों को टेंशन कम हो। वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि इसके जो एल्बो स्लाइडर्स हैं और जो इसके ये नी स्लाइडर्स हैं सारे निकलते हैं यहाँ से, ऐसे खुलता है और ये रिप्लेस हो जाते हैं, और एल्बो स्लाइडर्स भी जो हैं ये छोटी सी एलके से खुलता है और रिप्लेस हो जाता है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपका नी स्लाइडर ख़त्म हो रहा है या एल्बो स्लाइडर ख़त्म हो रहा है, आप इतने पावरफुल राइडर हैं कि आपके सिर्फ नी ड्रैग्स और एल्बो ड्रैग्स हो रहे हैं, वो भी ऑप्शन दे रही है ये कंपनी की, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड पीछे हम भी आपकी बैक को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, ये एल्बो स्लाइडर्स हैं जिससे आप प्रॉपरली नी डाउन कर सकते हो और मेरे हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल है अदरवाइज, बट दिस सूट फॉर मी इज नॉट कम्फर्टेबल, दैट्स आई एम चेंजिंग इट एंड ऑलमोस्ट सबको पता चल गया होगा कौन सा कलर आने वाला है, तो अब इसको जल्दी से उतार दें बिकॉज जितना पहनने में मुश्किल है उतना ही उतारने में मुश्किल है। आई होप मैं अपना शूज़ जो आपको इसके साथ दिखा पाता, बट शूज़ अभी घर पे पड़ा है, तो मैं जब उसको लाऊंगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि शूज़ कैसा है। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड देख लो आपके वीडियो बनाने के लिए कितने पसीने भी आते हैं बिकॉज सब बंद करना पड़ता है, पंखा पंखा ये वो, बिकॉज बहुत साउंड आती है, फिर आप लोग कहते हैं साउंड अच्छी नहीं है, फिर आप लोग कहते हैं ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर आप कहते हैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सब आपके लिए कर रहे हैं। तो भाई दबा के लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको।